मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने आशीर्वचन के लिए संघ के निवर्तमान सरसंघ सर कार्यवाह माननीय भैया जी जोशी को। आज के इस हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला के समापन के अवसर पर मंच पर विराजमान परमवीर चक्र से सम्मानित सम्माननीय योगेंद्र सिंह जी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी, इस आयोजन समिति के सभी सम्मान्य सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों भाइयों और हमारे सारे विद्यालयों के छात्र वर्ग, यहाँ पर इन तीन दिनों में हमने प्रकृति वंदन भी किया, हमने मातृ वंदन भी किया, आचार्य वंदन का भी संस्कार मिला और आज परमवीर वंदन का ये अंतिम कार्यक्रम होने जाता है। ये सारे कार्यक्रम हमें क्या संदेश देते हैं? हम सबको बनने के लिए कुछ बताते हैं। हम भक्त प्रह्लाद बनेंगे, हम भक्त ध्रुव बनेंगे, हम छत्रपति शिवाजी बनेंगे, हम राणा प्रताप बनेंगे, हम गुरु गोविंद सिंह के चार बच्चों के समान शूर बनेंगे, हम चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, हम क्रांतिकारकों के कदमों पर कदम डालकर इस देश के लिए कुछ करने वाले बनेंगे। हम लोग गीत गाते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आज हम सुरक्षित हैं, इस देश के लिए बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि भविष्य के भारत के लिए भी हम कुछ योगदान करने वाले बनेंगे। विज्ञान के छात्र बनेंगे, वाणिज्य के बनेंगे, कला के बनेंगे, ये तो अपने जीवन के लिए है, पर देश के लिए अगर कुछ बनना है तो हमको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, हमें अच्छे शोध कार्य करने वाले बनना पड़ेगा, हमें सेना के मोर्चे पर जाकर इस भारत की रक्षा करने वाले बनना पड़ेगा, हमें एक आदर्श जीवन जीने वाले एक देश के नागरिक बनना पड़ेगा, अपने मातृभूमि के प्रति भक्ति भाव रखने वाले ऐसे देशभक्त बनना पड़ेगा, इनकी आवश्यकता है। स्वार्थी बनने के लिए कोई सिखाता नहीं है, अपने आप आ जाता है। गलत बातें सिखाने की व्यवस्था नहीं, हम अपने आप सीख जाते हैं। किसी पर्वतों की चोटियों पर गिरने वाला वर्षा का जल समुद्र तक जाने के लिए कोई मशीन नहीं, कोई यंत्र नहीं, परंतु अगर जल को जमीन से एक इंच भी ऊपर उठाना है तो बिना किसी ऊर्जा के संभव नहीं। और इसलिए अपने जीवन में हम पतन का मार्ग, उससे हम सावधान रहे, उत्थान के लिए श्रेष्ठ महापुरुषों का जीवन अपने सामने रखे, उस मार्ग पर चलने का संकल्प करें, ऐसे श्रेष्ठ जीवन जीने वाले हम बने। मैं समझता हूँ कि यह हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला यही संदेश हमको दे रहा है। देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने, मठ मंदिरों ने, आश्रमों ने, सामाजिक संस्थाओं ने अपने इस सामाजिक कर्तव्य का परिचय समाज को कराया। ऐसे लोग इन चार दिनों में इस समूह में आए, अपने अपने विचारों को बताया। मैं समझता हूँ कि देश में एक सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करने का कार्य
इस प्रकार के आयोजनों से होता है। इस आयोजन में हम सब लोग एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर जाए, कुछ अच्छी बातें करने का संकल्प लेकर जाए। महाराज जी ने हनुमान चालीसा के साथ संकल्प बताए, उन सात संकल्पों का भी स्मरण करें। हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि जिनका मन पर भी विजय प्राप्त था, बुद्धिमान थे और शूर भी थे, ये सारे एकत्रित गुणों का दर्शन हनुमान जी के जीवन में होता है। हम लोग उनके जीवन से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक चित्र है दास हनुमान का कि जो भगवान राम के चरणों में बैठकर राम की भक्ति करने में लगे हुए हैं, आज उस दास हनुमान से भी ज़्यादा हाथ में गदा लेकर अन्याय करने वालों पर प्रहार करने वाले ऐसे वीर हनुमान की आवश्यकता है। और ये वीर हनुमान हम में से ही निर्माण होने वाले हैं, और इसलिए महाराज जी ने, विजय महाराज जी ने जो बताया वो संकल्प भी ध्यान में रखे। योगेंद्र जी ने अपने जीवन के अनुभव बताते हुए हमारे अंदर एक ऊर्जा का संदेश दिया है। मैं समझता हूँ कि ये आयोजन इन संदेशों को हम सब लोग हृदय में धारण करके ले जाए, इसी में इस कार्यक्रम का सफलता है। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यहाँ जो जो देखा, जो जो सुना, वो यहीं पर छोड़कर न जाते हुए अपने साथ लेकर जाए और कदम कदम पर अपना जीवन उसी दिशा में विकसित करने का प्रयत्न करे। पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, नाम बहुत कमा लेते हैं, परंतु कर्तृत्व के आधार पर, कर्तव्य के निर्वहन करते हुए हमें एक आदर्श समाज के सामने अपना जीवन प्रस्तुत करने का संकल्प करें। इसी निवेदन के साथ और आयोजकों को भी मैं धन्यवाद देते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ।